बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं. एक तो गुरमीत टेलीविजन से है, अली बहुत अच्छा दोस्त है, सपना हैज़ डन फैंटास्टिकली वेल इन 24 एंड आई रियली लव ऑल ऑफ देम and I'm here basically to support all of them because I'm extremely fond of them as performers. And Khamoshiyaan, yes, with the banner that it comes with, I'm very excited because Bhatt Camp hamesha kuch acha exciting aur thrilling leke aata hai and the promos look fantastic. Umeede hain and I'm sure all three of them have done a fantastic job. So I'm actually just waiting for my song in Welcome Back, jiske liye main bahut excited hoon. I think May mein film release hai aur audio launch ke baad hum sab gaana dekh payenge. Main bhi bahut sari narrations le rahi hoon aur bahut jald aap sabko bata dungi ki mera agla project kya hone wala hai. I definitely would want to sign the right film and make the right choice as much as it is in my hands. I want to wish Gurmeet, Sapna and Ali all the very best. I think all three are fantastic performers and they will do well. I'm looking forward to the film. I'm getting later by. I love horror flicks, yeah, and this is more of a psychological horror kind of a thing. So I'm more excited about this one, and there's Ali in it, so I'm even more excited. बहुत खौफनाक दाई बार है यार, alone और फिर खामोशियाँ. I'm expecting a very nice, like, literally spine-chilling thriller inside. सबसे पहला कमेंट और सबसे अच्छा है सलमान खान की तरफ से, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही लव द फिल्म एंड ही वाज वेरी हैप्पी दैट इट टर्न्ड आउट द वे इट टर्न्ड आउट. सो ही वाज लाइक रियली हैप्पी एंड ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स. हमने एक्चुअली एक हफ्ते पहले फिल्म देखी है और तब से एक महीने से प्रमोशन में थे. भट्ट साहब कहते थे, उन्होंने कहा था, भट्ट साहब ने कहा कि फिल्म देख ले तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा. तो फिल्म देखने के बाद अच्छी लगी फिल्म. अभी यही दर्शकों को देखना है कि दर्शक कितना एक्साइट होते हैं और आई एम श्योर कि उनको भी पसंद आएगी. मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत कम देखता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है. तो ऐसे बहुत दोस्तों ने और देबीना ने पकड़ के दिखाया. ठीक है, अब इन खुद के मुँह से मुझे लगता है कि बोलना ठीक नहीं रहेगा. बस यही कहूँगा कि जनता देखे और उनको कैसी लगेगी वो ज़्यादा मायने है. हमने बहुत बहुत अच्छे से काम किया है और काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या है, एक ग्लिम्स क्या है इस फिल्म की. तो कल ही पता चलेगा आई थिंक ऑडियंसिस को कैसा लगता है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड, नॉट नर्वस, क्योंकि हम लोग खर्च हो चुके हैं पिछले 25 दिनों से ऐसे, यू नो, वी बीन प्रमोटिंग द फिल्म. And yeah, yes. Excited. We hope you all enjoy it. We enjoyed making it, so we hope you all really, really, really enjoy it. वो फिलहाल तो मुझे वो पता नहीं 100 करोड़ क्लब में मैं घुसूंगा कि नहीं. फिलहाल तो इतना ही है कि मैं ये पिक्चर रिलीज़ हो जाए, ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाए और जो मेरी मैसेज है, जो मैं इस पिक्चर में बोलना चाहता हूँ, वो लोग सुनो. हर एक एक्टर ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया ये पिक्चर में. मैं बहुत बहुत खुश हूँ. अली, सपना और गुरमीत ने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में. एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइज रियलाइज दैट दे आर टॉप नॉच इन दैट गेम. ये एक कंटेम्प्रेरी हॉरर है, हॉरर भी नहीं बोल सकता, सुपर नेचुरल थ्रिलर है. इट डैबल्स विद द साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट ऑफ इट. इन एसेंशियली ये कहानी जो है एक रिश्तों की कहानी है. सो इट्स जस्ट इट्स वे डीपर देन मोस्ट ऑफ द अदर फिल्म्स दैट वी अटेम्प्टेड टू डू इन दिस जॉनर. एंड आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड एंड इट्स अ फिल्म ऑफ टुडे. मैं ये कहूँगा कि खामोशियाँ बहुत आवाज़ करने वाली है इंशाल्लाह ताला. क्या है ना, जब नए नए हीरो चलेंगे तभी तो जनता को ये फिल्म देखनी चाहिए. और भट्ट साहब का हमेशा से रहा है कि नए स्टार्स को लॉन्च करके एक नए सब्जेक्ट के साथ, नई फिल्म के साथ थोड़ा पैशन, थोड़ा रोमांस. मुझे प्रोमो भी बहुत अच्छा लगा और दोनों मेरे भाई है और आई विश देम ऑल द लक. और मैं 100% चाहता हूँ कि खामोशियाँ आवाज़ करें. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.